हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे फैराडे के लॉ के बारे में कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या दिया था, क्या स्टेट किया था। तो माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक हुए फ्रेंड्स, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक लॉ दिया जिसे फैराडे लॉ के नाम से जाना जाता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यानी फैराडे लॉ है, उसको समझने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे पास एक मैग्नेट होना चाहिए, बार मैग्नेट, दूसरा एक कॉइल होनी चाहिए और तीसरा होने चाहिए एक गैल्वेनोमीटर। जो माइकल फैराडे का लॉ है उसको बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं। अब जो हमारा बार मैग्नेट है उसको हम एक पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। जो हमारी कॉइल है, कॉइल के दोनों नोड जो है, अगर प्लस माइनस अगर इनकी बात करें इस कॉइल का, तो उसको हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। अब मैग्नेट को क्या करेंगे, हम कॉइल मैग्नेट को हम कॉइल के पास ले जाएंगे। जैसे हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं, हमने ये देखा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट होने लगा, मींस उसकी सुई घूमने लगी। जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेट को स्टे कर देते, कोई मूवमेंट नहीं करते, तो हमारा गैल्वेनोमीटर एज इट इज रहता है। फिर हमने क्या किया, उसका मूवमेंट आगे पीछे, जैसे हमने उसको मूवमेंट किया हमारे मैग्नेट को, तो क्या हुआ, हमारे जो गैल्वेनोमीटर है फिर से डिफ्लेक्ट किया, मींस मूव करने लगा। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास में जा रही है हमारी, तो जो हमारा कॉइल है उस कॉइल के पास क्या है, वहाँ पे उस एरिया में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मीन्स मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस है उसको क्रॉस कर रही हैं उस कॉइल को। जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो दूर हो जाती हैं, और जैसे ही हम अपने मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसको कट कर रही हैं उस लाइंस को। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे मैग्नेट को पास में ले जाते हैं, हमारी कॉइल में क्या होता है, एक इंड्यूस हो जाता है, मीन्स वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। उस EMF इंड्यूस होने की वजह से क्या होता है, उसमें करंट वोल्टेज का जनरेट हो जाता है, और वोल्टेज जनरेट होने से क्या होगा, उस सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। तो माइकल फैराडे साहब ने इसी जो रूल्स है इसी को उन्होंने क्या है, इन्वेंट किया था, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सपोज आपसे कोई पूछे कि मैं प्रैक्टिकल टर्म बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं कि जब भी हम किसी कॉइल को उस मैग्नेट के पास ले जाते हैं या मैग्नेट को हम कॉइल के पास ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है, मीन्स उसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में एसोसिएट हो जाता है। उससे क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। जब EMF इंड्यूस होगा तो वोल्टेज जनरेट होगा, और वोल्टेज जनरेट होने की वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगा इस सर्किट में। इसी जो प्रैक्टिकल माइकल फैराडे ने किया है, इसी को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही फैराडे लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यही कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी कंडक्टर होगा, जैसे मैग्नेट जाएगा कोई चेंजिंग फील्ड में, तो EMF इंड्यूस होगा ये सर्किट में, और जब भी EMF इंड्यूस होगा तो करंट का फ्लो होगा, जब करंट का फ्लो होगा तो सर्किट हमारी चार्ज हो जाएगी। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। माइकल फैराडे ने इसी के रिगार्डिंग क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग दो रूल्स उन्होंने इस प्रैक्टिकल के बाद उन्होंने दो रूल्स बनाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फर्स्ट रूल उसमें ये था कि जब भी ये जो लॉ था, लॉ यही स्टेट कर रहा था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब भी एसोसिएट होगा किसी कॉइल में तो EMF इंड्यूज होगा। ये तो पहला रूल था जो उन्होंने इंडक्शन का रूल बनाया था। सेकेंड उसमें था, ये स्टेट करता था जो मैग्नीट्यूड होगा EMF में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मीन्स अगर हम फ्लक्स रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा, हमारा वोल्टेज क्या होगा और इंड्यूज होगा। वो फुली फैराडे लॉ जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।